अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, हज की नियत से रखे हुए रुपयों पर ज़कात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की नियत से रखे हुए पैसों पर ज़कात। हज की नियत से अपने पास जमा मुकम्मल रकम में भी ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता अगर हज कमेटी में रकम जमा कर दी गई हो तो उस रकम में से जहाज़ का किराया, मुअल्लिम की फ़ीस वग़ैरह निकालने के बाद सऊदी रियाल की शक्ल में मिलने वाली रकम पर ज़कात वाजिब होगी। मकान बनाने या बेचवाने की, शादी करने के लिए रखी हुई रकम पर ज़कात। अगर किसी ने मकान बनाने या बेचवाने की, शादी करने के लिए अपनी रकम या सोने चांदी के जेवरात जमा करके रखे हो और उस दरमियान ज़कात की अदायगी का वक्त आ गया हो तो उस रकम और जेवरात पर ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता अगर उस रकम या जेवर को अपनी बालिग औलाद के हवाले कर दिया गया तो उसकी ज़कात बालिग औलाद पर लाजिम होगी, और अगर नाबालिग औलाद के लिए उस रकम का या जेवर को मुकम्मल तौर पर मुख्तस कर दिया गया तो किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी।